छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर का दिन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 3 दिसंबर यानी कि रविवार को प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और इस परिणाम को देखकर सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा। लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे कांग्रेस के कई मंत्री चुनाव हार गए और भाजपा ने बड़ा उलटफेर करते हुए बहुमत हासिल कर ली। भाजपा ने प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल करते हुए 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में 5 साल से वनवास काट रही भाजपा एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई है। भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतते ही अब एक सवाल सबके मन में आने लगा है और ये सवाल है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा की तरफ से सीएम पद के दावेदारों में सबसे चौंकाने वाला नाम है सांसद सरोज पांडे का। सरोज पांडे ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है लेकिन फिर भी सीएम की रेस में उनका नाम शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरोज पांडे को केंद्रीय नेतृत्व का विश्वसनीय नेता माना जाता है। हाल ही में पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देते हुए उन्हें प्रदेश के दिग्गज नेताओं की पंक्ति में शामिल किया था। सरोज पांडे की पहचान आक्रामक और तेज तर्रार नेत्री के रूप में की जाती है। अब देखना ये होगा कि पार्टी आलाकमान सीएम पद के लिए किस नेता के नाम पर मुहर लगाती है। तो आपको क्या लगता है, सीएम पद के लिए कद्दावर नेत्री सरोज पांडे सही होंगी या नहीं? इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।